हमारी पेमेंट वापसार करो, वी फंड जस्टिस वी करो, हमारी पेमेंट वापसार करो, हमारी पेमेंट वापसार करो, वी फंड जस्टिस। सीनियर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन पूरी रियासत के ठेकेदारों की तरफ से इस आज के इस दिन में एहतजाज पर हूँ, चूँकि रियासत में एक सिस्टम था कि ईद के 5-10 दिन पहले रियासत के ठेकेदारों के वाजिबुल अदा रुकूमात वागुजार किए जाते थे, मगर अफसोस का मुकाम है, मैं आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ पहले कि वो उन्होंने जो जीत हासिल की उस जीत का हक हमें भी था, काश वो ये समझते कि रियासत का जो ठेकेदार है क्यों इसको हम फंड्स वागुजार नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन को, खसूसन जो यहाँ के गवर्नर साहब हैं सत्यपाल मलिक जी, जैसे उनसे पूछे कि ये रियासत के ठेकेदार एहतजाज पर बार बार क्यों आ रहे हैं। हमने एहतजाज एक आश्वासन पर मौखर किया था, कैंसिल किया था कि हमें ईद तक वो सारे फंड्स वागुजार किए जाएंगे जो 2014 से लेकर 2018 तक 350 करोड़ के करीब लगभग हमारी बकाया है, लेकिन एहतजाज को मौखर करने के बाद इस आश्वासन को लेते हुए हमने ये यकीन किया था कि शायद हमारे पैसे वागुजार किए जाएंगे, मगर अफसोस का मुकाम है, आप देख सकते हैं कि आज ईद को सिर्फ 4 और 5 दिन रह गए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट PWD, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इरीगेशन फ्लड कंट्रोल, इरीगेशन फ्लड कंट्रोल के अलावा PHE के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के डिपार्टमेंट है, किसी भी महकमे न हेल्थ न एजुकेशन सेक्टर से कोई भी पैसा वागुजार हुआ, जो इन्होंने 31 मार्च को मौखर किया था 15% के हवाले से, उन फंड्स को भी अभी तक वागुजार नहीं किया गया। अफसोस का मकाम है, मैं एक बार फिर जो मोदी जी है हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जिन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, क्या मैं हम उनसे नहीं पूछ सकते हैं कि रियासत के गवर्नर को ये संदेश दिया जाए कि जो 350 करोड़ रुपए रियासत के ठेकेदारों का वाजिबुल अदा है, आज तक इस बड़े दिन जो यहाँ की अक्सरियत है इस ईद को मना रही है, हमें उम्मीद होती थी कि इस ईद पर रियासत के फंड्स वो वागुजार करेंगे, मगर अफसोस का मकाम है कि आज ईद को 4 दिन रह गए हैं लेकिन ठेकेदार अभी भी परेशान हाल में इस ईद को मना रहा है कि उसके 350 करोड़ रुपए वागुजार नहीं हुए हैं। यह एहतजाज पुरअमन तरीके से हमारी गुजारिश हम आपके माध्यम से पहुँचनी चाहिए वजीर आजम हिंदुस्तान जनाब मोदी जी को कि वो देखें, क्योंकि हमने रियासत के गवर्नर को बार बार अपील की लेकिन हमारी अपील पता नहीं किन कानों में जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए आज के इस एहतजाज में हम डायरेक्टली वजीर आजम हिंदुस्तान जनाब मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि वो देखें कि इस रियासत के इस ठेकेदार को क्यों इतना सताया जा रहा है, ये काम भी कर रहा है, सड़कें भी बना रहा है, पुल भी बना रहा है, स्कूल कॉलेज भी बना रहा है और अपने रोजगार को हासिल कर रहा है, ये जानकर कि रियासत में रोजगार के मौके बहुत कम है।